हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? कल अपन ने ज्योमेट्री का पार्ट वन किया था, जिसके अंदर अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने क्वेश्चन कराया था। आज अपन बात करेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना? आज इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और आज मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना? दोनों चीज़ हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल के क्वेश्चन से। इसके अंदर थ्योरी जो भी है क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊंगा, जैसा मेरा तरीका होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। एक मैं आपको बात याद रहा दूँ, आइसोसेलस ट्रायंगल होता क्या है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? आइसोसेलस ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है ना? अभी दोनों साइड इक्वल होगी तो यहाँ पर अगर एंगल एक्स होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल एक्स होगा। बस इतना ध्यान रखना आपको अभी। अब क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी सी आइसोसेलस ट्रायंगल विद एंगल सी 90 डिग्री है, तो भाई ये राइट एंगल हो गया ना, एंगल सी कितना 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल हो गया। तो अपन एक राइट एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है, ये सी है, तो इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ए सी और बी सी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ए सी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। तो बताओ मुझे ए बी कितना हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम क्या, ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया 5√2। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ अपन आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री के सारे वीडियो देखने हैं, उसके बाद ज्योमेट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है ना? ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए 80 डिग्री। तो देखो सबसे पहले बनाते हैं अपन, एक अपन आइसोसेलस ट्रायंगल बना दिया, ये आपका ए बी सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी जो है ए सी को, मतलब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों साइड इक्वल है तो यहाँ पर जो एंगल एक्स बनेगा तो यहाँ पर भी एक्स बनेगा, पहली बात तो ये। अब एंगल ए आपको दिया हुआ 80 डिग्री, ये एंगल 80 डिग्री। द बाइसेक्टर बी, बाइसेक्टर क्या होता है, जो इस एंगल को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो बाइसेक्टर दोनों के बाइसेक्टर क्या करते हैं, डी पे मिलते हैं। इसका मतलब अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू, और ये भी कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू। ये वापस ये कितना हो जाएगा, x बाई टू, और ये भी कितना हो जाएगा, x बाई टू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बाई सेक्टर। अब आपको बोला हुआ है द बी डी सी, आपको बी डी सी वाला एंगल पूछा हुआ है, एंगल 80 डिग्री। तो ध्यान से देखो, ए बी सी को हटाता, देखो ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये 80 डिग्री था, ये आपने पूरा x माना था, ये x माना था, ये ए बी सी की बात कर रहा हूँ, फिर बी डी सी की बात अलग करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, तीनों ट्रायंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से आप 2x इक्वल टू आ गया 100, तो x कितना आ गया, 50, कितना आ गया, 50। अब बात करते हैं बी डी सी एंगल की। अब बी डी सी एंगल में क्या हो गया, ये आपका एंगल था बी डी सी, बी, ये डी, ये सी, ये तो x बाई टू था, तो x आपका 50 है, तो x बाई टू कितना होगा, 25, ये भी 25, तो ये कितना होगा, ये 25 और 25 कितना होगा, 50, और 180 में से 50 चला कितना बचेगा, 130। तो ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, जो बी डी सी एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 130 इज़ द राइट आंसर। सी जी एल टायर वन में आया हुआ है ये, टीयर वन में क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी लगेगी, सबसे पहले बता देता हूँ कुछ प्रॉपर्टी सर्कल की। देखो ऐसे अपन प्रॉपर्टी समझते रहेंगे, अपन क्वेश्चन के फॉर्म में समझेंगे तो अपन को इंटरेस्ट भी आएगा। तो सबसे पहले लिखिए पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, एक सर्कल है, पॉइंट पी है, ठीक है, मैंने एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, ये ए है और ये बी है और ये आपका टी है। टी मतलब पी टी क्या हो गया, बता देता हूँ, पी टी आपकी क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब होता है किसी पॉइंट से सर्कल को टच करने वाली लाइन। तो पी होता है ना, ऐसे कंडीशन होती है तो पी को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट मतलब पी से अपन एक लाइन ड्रॉ की जो कि ए बी को कॉर्ड बनाती है सर्कल पर, और पी टी टेंजेंट है। तो एक पावर ऑफ पॉइंट का थ्योरम क्या होती है, आपने पढ़ी होगी, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू होता है पी टी का स्क्वायर। ये आप थ्योरम याद रखना, इसको बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट, याद रखते हैं, ठीक है ना? पहले ये लिख लीजिए पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना, ये काम आएगी आपके। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी सी इन आइसोसेलस ट्रायंगल, तो भाई ए बी सी अपन बना देते हैं, ये ए, ये बी और ए सी, जहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ, तो ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है। अब ए सर्कल पासेस थ्रू बी टचिंग ए सी, सर्कल क्या करता है, बी से पास होता है और सी को क्या करता है, टच करता है। तो कुछ बी से पास होने वाला सर्कल इस तरीके से बनेगा, देखो
देखो ये, देखो एसी को टच भी कर रहा है और बी से पास भी हो रहा है, ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक है, अब इसने क्या बोला है, ए सर्कल थ्रू पी टचिंग ए सी एट द मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है भाई, तो मिडिल पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, इंटरसेक्ट ए बी एट पी, यहाँ पर पी को टच करता है ये, और आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इस पॉइंट को मैं क्यू ले लेता हूँ, इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं अपन, क्यू ले लेते हैं, इस पी क्यू को अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर? वापस समझ जाता, तो ए बी सी आपका क्या था, आइसोसेलेस एंगल था, ए बी इक्वल टू ए सी, बी से जाने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दिया अपन ने, और ये क्या करता है, ए बी को पी पॉइंट पे कट करता है, ठीक है ना, अपन को ए पी अपन, तो मैंने क्यू पॉइंट एज्यूम कर लिया है, ये भी दिया हुआ है कि ए सी जो है ये सर्कल टच करता है उसको मिडिल पॉइंट पे कट करता है, ठीक है ना, इसको आप इससे मिला लीजिए बोले ज़्यादा सही रहेगा, तो मैंने दो ट्रायंगल बना दिए, अब अपन को निकालना है ए पी अपॉन पी बी कितना होगा ये बताना आपको, ठीक है, ये बताना है, तो ध्यान सुनो भाई, देखो आपको क्वेश्चन का, इसको मैंने एक्स माना है तो ये भी क्या होगा एक्स, क्योंकि मिडिल पॉइंट पे बोल रहा है ये, मिडिल पॉइंट पे टच कर रहा है, तो मिडिल पॉइंट मतलब होता है दोनों बराबर, अब देखो ये भी आपका कितना है, ये भी टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ठीक है ना, अब ध्यान सुनना, देखो ये मैंने पी क्यू इसलिए बनाया है क्योंकि पावर ऑफ पॉइंट बन जाए, अब देखो थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ मैं, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना, इस ए पॉइंट को देखना है, क्या ए पॉइंट ऐसा नहीं बन रहा है क्या, देखो ये सर्कल है, ये ए पॉइंट के बाहर है, ठीक है, ए पॉइंट से क्या हुआ, एक कॉर्ड ड्रॉ की है जो ये ए पी और पी बी जा रही है, और एक टेंजेंट है जो ए क्यू है, ध्यान से देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखो सब समझ में आएगा, इस टाइप से बन रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकता ए पी इंटू ए बी इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर, सोच के बताओ, अभी पावर ऑफ पॉइंट बताया था मैंने, थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा समझोगे तब आएगा, अभी बताया था ए पी इंटू ए बी इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर, मतलब ये मल्टीप्लाई ये इज इक्वल टू ये स्क्वायर होता है, ठीक है, क्लियर, अब देखो मैं ये थ्योरम कैसे यूज़ करता हूँ, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो ये वाली थ्योरम आएगी ए पी, अब बताओ मुझे ए पी पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन ए बी पता है मुझे, तो मैं इस थ्योरम को यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले को ए पी इंटू ए बी, ए बी कितना है टू एक्स है, इज इक्वल टू ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू कितना है एक्स है, एक्स का स्क्वायर, इस एक एक्स इस एक्स काट लो, ए पी आ गया आपका एक्स बाई टू, कितना आ गया एक्स बाई टू, ए पी आपका एक्स बाई टू आ गया, ठीक है, अब निकालना क्या है ए पी अपॉन ए बी, अब देखो ए पी कितना है, ए पी है एक्स बाई टू, ए बी कितना है टू एक्स है, तो एक्स एक्स काट लो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:4, तो आपका आंसर हो गया डी इज़ द राइट आंसर, तो थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है, पहले थ्योरम समझनी है पावर ऑफ पॉइंट, उसके बाद में थोड़ा कंसेप्ट लगाना है कि किस तरीके से कर सकते हैं, देखो तो ये कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, ये जो मैंने पी क्यू बनाया कंस्ट्रक्शन किया ताकि पावर ऑफ पॉइंट बना सकूँ मैं, ठीक है ना, तो अगर ये समझ में आ गया तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, बना लेते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल, कि ए बी सी अपन मान लेते हैं ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ये वाला एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, इसको मान लेते हैं वाई, अब क्या दिया हुआ है, इफ़ द अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द इक्वल इक्वल एंगल, तो सिंपल से बोल इसने बोल दिया है कि अनइक्वल कौन सा एंगल है, वाई एंगल है, तो वाई एंगल जो है इज़ द ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द इक्वल एंगल, सम ऑफ द इक्वल एंगल मतलब एक्स प्लस एक्स के इक्वल है, तो वाई कितना आ जाएगा टू मल्टीप्लाई टू एक्स, मतलब वाई कितना आ गया फोर एक्स के बराबर है, ठीक है, तो बोला देन ईच एंगल इज, तो वाई इक्वल टू फोर एक्स आ गया, तो आपका देखो तीनों एंगल का सम कितना होगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो एक्स प्लस एक्स वाई कितना है फोर एक्स है तो 180, तो ये कितना हो गया सिक्स एक्स इक्वल टू 180, एक्स कितना आ गया 13, तो आपको यही पूछा था कि जो देन ईच इक्वल एंगल इज, इक्वल एंगल के बारे में पूछा, तो इक्वल एंगल कौन कौन से एक्स है ऐसे, तो आंसर कितना हो गया एक्स की वैल्यू कितनी है 30 आ रही है, दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हल्की फुल्की प्रॉपर्टी लगानी है हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलस ट्राइंगल है, तो देखो ए बी सी बना देते हैं पहले आइसोसेलस ट्राइंगल, ए बी सी अपन ए बी इक्वल टू ए सी मान लिया, अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी बोल रहा है कि बी सी इक्वल टू ए है, अब ए डी परपेंडिकुलर, अब देखो जब भी अपन परपेंडिकुलर करेंगे ऐसी कंडीशन में आइसोसेलस ट्रायंगल के अंदर दो साइड इक्वल है, तो ये सामने वाले साइड को क्या करेगा दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, देखो ये यही चीज़ें सीखने लायक होती है, तो ये भी ए बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा ए बाई टू हो जाएगा, और ये कितना था, ये क्वेश्चन में दिया था टू ए, और ये भी कितना दिया था टू
टू है। अब आपको निकालना 80, ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल को अलग कर दो। किस ट्रायंगल को? इस ट्रायंगल को अलग कर दो, ये वाला ए डी सी, सॉरी छोटा डेटा बन गया। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, ए डी का स्क्वायर कितना होगा? ए डी का स्क्वायर होगा ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना है? ए सी टू है, तो टू ए का स्क्वायर कितना होगा? फोर ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर, ए बाई टू। डी सी कितना है? ए बाई टू, तो ये हो जाएगा 15 ए स्क्वायर बाई फोर, और ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 15 बाई फोर ए स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा रूट 15 डिवाइड बाई टू ए यूनिट, मतलब आंसर कौन सा होगा? सेकेंड इज द राइट आंसर। अगली बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एसोसियलस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल। सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम बनाइए, देखो क्या दिया हुआ, एसोसियलस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। तो पहले क्या करो, राइट एंगल बनाओ। देखो ये आप बड़ा सा डायग्राम बनाओ, ये हो गया ए और ये बी और ये सी। बी पर कितना हो गया? 90 डिग्री। बहुत ध्यान से डायग्राम समझते हैं, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। डी इज द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ए बी सी। डी कोई पॉइंट यहाँ पर बना दिया आपने, ठीक है। पी एंड क्यू आर द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम डी ऑन द साइड ए बी। देखो फिट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब होता है ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर, ये फिट ऑफ परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर होता है साइड पर, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? फिट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? ये तो पी है और ये क्या है? ये क्यू है, ठीक है। अब आपको दिया ए पी, ए पी की साइड, ए पी की साइड दी हुई, यहाँ से यहाँ तक आपको ए पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और ए क्यू आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ठीक है। इफ़ बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, बी ए डी, ये कितना दिया हुआ आपको? ये दिया हुआ 15 डिग्री। तो आपको बताना है साइन 75 कितना होगा, ठीक है। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। पहले थोड़ा सा एंगल बना लेते हैं, ये 90 होगा तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया? 75। अच्छा आप देखो पहली चीज़ ध्यान से, ये आपका बी ए बी सी था, बी 90 डिग्री था और ये साइड इक्वल थी, तो ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। तो एक 90 हो गया तो बाकी 90 बचा, तो 90 में 45 45, तो 45 में से देखो ये 15 यहाँ चला गया, तो पीछे कितना बचा? पीछे बचा 30। ये हो गया आपका 90, तो 90 और 30 120, तो ये बच गया 60। बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना। ये पूरा डायग्राम अपन ने बना लिया। अब अपन करना क्या है? अब पूछ रहा है कि साइन 75 कितना होगा। तो वापस थोड़ा अगर आपको समझ में नहीं आया डायग्राम, मैं वापस क्लियरली बना देता हूँ, आप बना लीजिए बड़ा सा डायग्राम, ठीक है ना। ये आपका डी पॉइंट है, ये एक आपका ऐसे इधर ड्रॉ किया हुआ, इधर ड्रॉ किया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, ये पी है, ये क्यू है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और आपको जो दिया हुआ है ए पी इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपको, ये ए है, ये आपका 15 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, ये 75 हो गया, ये 90 है, ये आपका 60 है, और ये आपका 90 है, ठीक है ना। ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। आपको साइन 75 निकालना है। देखो सबसे पहले एक एक डायग्राम बनाते हैं अपन। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं अपन, ध्यान से देखना। ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ए डी क्यू ले रहा हूँ। अब ए डी क्यू ध्यान से देखना है। देखो डायग्राम पर मत जाना, ये 90 डिग्री आपका, ये ए है, ये क्यू है और ये डी है। हमेशा याद रखो कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हाइपोटेन्यूस है आपका। मैं ये 30 ले रहा हूँ, तो 30 के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस होता है। तो सबसे पहले लेते हैं कॉस 30। तो कॉस 30 कितना होगा? कॉस 30 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब ए क्यू अपॉन ए डी, ठीक है। अब ए क्यू कितना दिया हुआ है? ए क्यू तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ए क्यू कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है अपॉन ए डी। अब कॉस 30 कितना होता है? रूट 3/2 इक्वल टू बी अपॉन ए डी। तो ए डी कितना आएगा स्टूडेंट? ए डी आ जाएगा 2/√3 और बी। ये बात समझ में आई आपको? 2b/√3। अब देखो जैसे आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, वैसे अब क्या करना? दूसरा ट्रायंगल लेना है। ये मैंने निकाल दिया। अब ट्रायंगल लीजिए आप ए पी डी। अब ध्यान समझो, देखो ये ट्रायंगल ऐसा है, ये ए है, ये डी है, ये पी है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना लो हाइपोटेन्यूस। अब मेरे को लेना 75। तो 75 के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर और ये बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक वीडियो आपको देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको निकालना है साइन 75। साइन 75 क्या होगा? साइन 75 होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? ए पी। हाइपोटेन्यूस कितना है? ए डी। साइन 75 निकालना आपको, साइन 75 ए पी। ए पी इज़ वॉट? ए पी तो खुद कितना है? ए के बराबर है। और ए डी कितना है?
ए डी आपका 2b/√3, ये निकाला था अपन, देखो यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा √3/2a/b। अब जो ऑप्शन मैच कर रहा है √3/2a/b, मेरे ख्याल से कर रहा है सी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना है, वापस बोल रहा हूँ, पहले ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देखिए, मैंने डाले हुए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, पहले वो देखना है, उसके बाद में आपको ये वाला वीडियो देखना है, ठीक है ना। तब तक आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ वाला क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बोल रहा है ए बी सी ने आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, तो बना लेते हैं ए बी सी पहले, ठीक है। ये आपका ए बी सी है, थोड़ा डायग्राम वापस बना देता हूँ मैं, फील नहीं आ रही है, फील आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वापस बना लेते हैं अपन, अपन बोला ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ बनाते हैं अपन, हाँ ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ठीक है ना। अब क्या बोला है, ए बी इक्वल टू ए सी मतलब ये है जितना है उतना उतना ये है, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। साइड बी ए इज प्रोड्यूस डी, अब बी ए मतलब बी ए को अपन क्या करें आगे और बढ़ाया तो ये डी आ गया। अब इसने ये बोला है सच दैट ए बी इक्वल टू, तो ये भी कितना हो गया, एक्स हो गया, इसको आप इससे मिला लो, ठीक है। अब ए बी इक्वल टू एक्स दिया हुआ तो ये भी इसके इक्वल हो गई। अब ये बोल रहा है इफ़ ए बी सी इक्वल टू, अगर ये 30 डिग्री है तो आपको बी सी डी बताना, तो ये कितना होगा, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, मैंने आपको वो चीज़ बताई थी कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल साइड के अपोजिट वाला, ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पर कौन से एंगल इक्वल होंगे, अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा, इतना सा पार्ट कितना होगा 30, क्योंकि ये दोनों एंगल ये दोनों साइड क्या है सेम है, तो ये 30 तो ये भी 30, 30 30 कितना होगा 60, तो ये कितना होगा बताओ, ये होगा 120, कितना होगा ये 120। अब अगर ये 120 होगा तो ये कितना होगा, ये होगा 60, बात समझ में आ रही है। अब ध्यान सुनना, अगर ये 60 है तो देखो ये दोनों साइड वापस इक्वल होगी, तो जितना एंगल ये होगा उतना उतना एंगल ये होगा, तो अगर ये 60 तो पीछे कितना बता 120 बचा, तो 120 में से 60 ये होगा और 60 ये होगा, तो मुझे बताओ तो बी सी डी एंगल कितना हो गया, बी सी डी एंगल, बी सी डी मतलब ये 30 था ये 60 था, तो बी सी डी हो जाएगा 30 + 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आंसर क्या आ गया 90। पता नहीं कुछ बच्चे बोलते हैं सर बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं होते यार, ज्योमेट्री सबसे ईजी होती है, अगर ढंग से समझा जाए तो ज्योमेट्री से ईजी कुछ चीज़ नहीं होती है, आराम से आंसर आता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है और कमेंट करके बताना कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले बनाओ एफ जी एच इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो अपन को नहीं पता कौन साइड दोनों इक्वल है, ये एफ है ये जी है और ये एच है, अपन को जी एच दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और एफ जी अपन को लेस देन 3 दिया हुआ है, तो लेस देन 3 मानने के लिए अपन एफ जी को क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, तो ये 2 हो गया। तो बोला कौन सा रिलेशन 2 हो सकता है, अब इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ध्यान रखना, आपने ये पढ़ा होगा स्टूडेंट कि मैंने बताया था कि अगर ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी साइड ए है ये बी है ये सी है, तो दो साइड का सम हमेशा तीस साइड से क्या होता है बड़ा होता है, ये अपन ने पढ़ा ना, यही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। देखो अब सोचो पहला क्वेश्चन, देखो जी एच इक्वल टू एफ एच, फर्स्ट रिलेशन क्या बोला, जी एच इक्वल टू एफ एच होना चाहिए, जी एच जो है एफ एच के इक्वल होना चाहिए, तो अगर देखो जी एच अगर एफ एच के इक्वल होगा, पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ मैं फर्स्ट वाला, तो इसको मुझे 8 लिखना पड़ेगा। अब आपने पढ़ा होगा सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, देखो 8 + 2 10 होता है, 10 इज ग्रेटर देन 8, सही बिल्कुल सही बैठ रहा है, 8 + 8 > 2 सही बैठ रहा है, 8 + 2 > 8 सही बैठ रहा है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट है। अब दूसरा देखते हैं, अगर जी एफ जी एच के इक्वल हो जाता तो क्या, दूसरे ऑप्शन में क्या होता, अगर जी एफ आपका देखो वापस बना देते हैं, ये 8 है और ये आपका एफ है और ये जी है और एच है, जी एफ और जी एच बराबर हो जाता तो क्या होता, तो अगर ये 8 है जो कि हो नहीं सकता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है कि जी एफ जो है लेस देन 3 है, तो जी एच के इक्वल हो नहीं सकता, सेकंड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत, थर्ड वाला एफ एच ग्रेटर देन जी एच हो जाता, एफ एच जो है ग्रेटर देन जी एच हो जाता, एफ एच अगर ग्रेटर देन जी एच हो जाता तो देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, मान लो इसको मैं इसको तो मैंने 2 लिया, इसको मैं 11 लेता तो क्या होता, ये 11 तो 8 से ग्रेटर देन है ना, लेकिन यहाँ पर सम ऑफ टू साइड 8 + 2 इज नॉट ग्रेटर देन 11 आ रहा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट नहीं होता। फोर्थ जी एच इज लेस देन जी एफ, जी एच इज लेस देन जी एफ हो नहीं सकता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साफ साफ देखिए आपको दिया हुआ है कि जी एफ तो छोटा है,
ठीक है ना, और उल्टा इसने उल्टा दे दिया है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो रहा है वो फर्स्ट ही आ रहा है, बहुत ध्यान से करना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। सीजेड टीयर वन में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्री साइड। अब क्या होता है, अपन थ्योरी इतनी पढ़ लेते हैं अपन को समझ में आता है कि हाँ सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेकिन उसका एप्लीकेशन नहीं आता है किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के फॉर्म में अपन यूज किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से इस रिलेशन को यूज किया जाता है। इसलिए मैं क्वेश्चन ज्यादा कराता हूँ, थ्योरी कम कराता हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, नहीं हुआ है तो उसको वापस से देखो, क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 11th, ए बी सी एन एसोसिएटेड ट्रायंगल सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ, ये आपका ए बी सी हो गया, अपन को दिया हुआ ए बी इक्वल टू ए सी बना देते हैं। ये ए डी इज द मीडियन। देखो मीडियन तो आपको पता है, मीडियन क्या करती है, सामने वाले साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब ध्यान सुनना, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन होती है वो हमेशा, जो ए की मीडियन होगी वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। जो भी मीडियन होती है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, लिख लीजिए। अगर ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए बी और ए सी इक्वल है तो ए से जो अपन मीडियन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगी, एल्टीट्यूड होगी, ठीक है ना, याद रहेगा। अब आपको क्या बोला हुआ है, आपको एक एंगल दिया हुआ है ए बी सी 35 दिया हुआ है। अब आपको बोला बी ए डी कितना होगा, देखो बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया था आपको, ये 35 तो ये भी कितना होगा 35, तो सिंपल सी बात है, 35 35 कितना हो गया 70। अब 70 तो ये कितना बचेगा बताओ, ये 90 है तो ये भी 90 है, वैसे निकाल सकते हो, 90 और 35 कितना होता है 125, तो ये निकाल सकते हो एंगल, ये कितना आ जाएगा 90 और 35 हो जाएगा 125, 30 55 आ जाएगा, तो 55 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन टू एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्या बोला है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द वर्टेक्स एंगल। देखो ये आपका साइड ए है, ए बी है, ये सी है, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। बेस एंगल मान लेते हैं ये एक्स है, ये एक्स है, तो देखो सम इसको बोला इक्वल टू द सम, ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। सम कितना होगा इनका, 2x है, उसका 2 टाइम्स है, मतलब कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 4x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, तो 6x कितना हो गया 180, एक्स कितना हो गया 30, तो अगर एक्स 30 हो गया है, एक्स 30 हो गया, अब आपको क्या बोला, देन द मेजर ऑफ द हाफ ऑफ द वर्टेक्स, एक्स 30 हो गया तो एंगल आपका बी ए सी कितना है, वो तो है 4x, तो 4 × x कितना है 30, मतलब 120, और इसका हाफ पूछा अपन से तो 120 का हाफ कितना होगा 60, तो ये अपन से पूछा है 60 डिग्री एंगल, उसका हाफ कितना होगा, तो अपन क्या बोलेंगे 60 डिग्री आंसर होगा, ठीक है, क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, देखो हो सके तो क्वेश्चन को पॉज किया करें, उसको खुद सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर चेक कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये बोला ए बी सी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू, देखो ए बी सी मैंने बना दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल, थोड़ा गलत बन गया, कोई बात नहीं, ये सी मान लेते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी मतलब ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ए बी 10 है तो ये भी 10 है, ए डी देखो मैंने बताया आपको हमेशा 90 डिग्री होगा, कौन सा मीडियन हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये 90 है, तो मुझे बताओ ये 10 है, ये 8 है, क्या आप ये फाइंड कर सकते हो, राइट एंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना आएगा x, मान लो x का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 36, तो x कितना आएगा 6, तो ये हो गया 6, तो अगर ये 6 होगा, मैंने बताया था मिड पॉइंट पर डिवाइड करता है, डबल हाफ ऑफ करता है, तो ये भी 6 होगा, तो 6 + 6 बी सी कितना हो गया, 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया, आ गया आंसर 12, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे आपको ऐसे ट्रायंगल से डर हट रहा होगा, ठीक है ना, कितना इजी टॉपिक है, जैसे इक्वल ट्रायंगल का क्वेश्चन अपन ज्यादा कर लिए, आइसोसेलेस कर लिए, अब थर्ड पार्ट आएगा तो उसके अंदर स्केलर ट्रायंगल करेंगे, फिर सर्कल करेंगे, फिर जितनी जितनी ज्योमेट्री है क्वाड्रिलेटरल करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे अपन, ठीक है ना, और धीरे धीरे आपके कंसेप्ट इतने बिल्ड हो जाएंगे कि ज्योमेट्री कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सर्कल भी साथ में डाल दिया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, अब देखिए ट्रायंगल अपन को दिया हुआ ए बी सी मैंने बना दिया,
क्या दिया हुआ अपन को, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, तो अपन बना ले कितना दिया हुआ है 12√5 और 12√5, ए बी आपका 12√5 हो गया, ए सी है। अब एक सर्कल बनाना है, सर्कल क्या पास कहाँ से होना चाहिए, बी से पास होना चाहिए, तो देखो मैंने बी से पास करते हुए बना दिया है, ठीक है। अब अपन ने इसको ज्वाइन कर लिया, ये जो बीच वाला है उसका सेंटर हो गया, तो ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर है। अभी नीचे वाला कितना दिया हुआ अपन को 24, मैंने बताया था आपको ए से हमेशा वर्टेक्स से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो एक तो परपेंडिकुलर होगा और सामने वाले साइड को क्या करेगा डिवाइड करेगा हाफ हाफ में, तो ये आइसोसेलेस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, तो 12 12 में डिवाइड कर दिया उसने, ठीक है। ये कितना दिया हुआ अपन को 12√5, लिख लेते हैं ये। अब मैं इसको ट्रायंगल को अलग कर देता हूँ, ये ए है, ये बी और ये डी। अब ए दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ 12√5, बी डी आपको 12 दिया हुआ, ये आपको निकालना, क्या आप निकाल सकते हो ये वाला, बिल्कुल देखो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, तो कितना आएगा 12√5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 12√5 को इसका रूट करना आपको, तो ये हो जाएगा 12 × 2, अगर डायरेक्ट करोगे 12 × 2 ये हो जाएगा 24। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे किया मैंने देखो भाई 12 का स्क्वायर है तो 12 तो बाहर आएगा ही आएगा, 12 तो बाहर आएगा ही आएगा, तो 12 और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो 12 × 2 कितना हो जाएगा 24। अब अपन ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी, ए डी सी, अब आपने ये तो निकाल दिया 12√5, ए डी आपने निकाल दिया, ए डी कितना है 24 निकाल दिया आपने, ठीक है। ये 24 आ गया, अब इसमें देखिए ऊपर वाला क्या है, रेडियस, रेडियस आर ये ए ओ मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है ना, तो ए ओ कितना हो जाएगा, ओ मान लेते हैं, ए ओ आपका आर है, ध्यान से देखिए ए ओ कितना दिया हुआ है आर दिया हुआ है, तो देखो ओ डी कितना हो जाएगा, ओ डी ये हो जाएगा 24 माइनस आर हो जाएगा, ध्यान सोच के बताओ, ठीक है। इसको मिला दिया अपन ओ सी को, ये भी क्या है आर है, अब इस एक राइट एंगल को अलग कर देते हैं अपन किसको, ओ डी सी को, और ओ डी सी के अंदर अपन ये वाला लगा देते हैं कि अपन कितने दिया 24 माइनस आर, ये आर, ये 12, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, राइट एंगल है तो लगा दीजिए, कितना आएगा वापस वही आपको लगाना, आर स्क्वायर ऐसे करके लगा देना है, आर स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए, आर स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर माइनस 48 आर प्लस आपका हो जाएगा 144, आर स्क्वायर से आर को कैंसिल कर दीजिए, 48 आर इधर लिखा जाएगी, ये हो जाएगा 576 प्लस 144, 576 प्लस 144 हो जाएगा आपका 720, ठीक है। तो आर इक्वल टू आ जाएगा 720 अपॉन 48, इसको 24 से कैंसिल कर लीजिए, 24 थ्री हो जाएगा 30 और ये 2 हो जाएगा ये 15, आर 15, तो आंसर कौन सा आ गया, आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। कितना आ गया 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना है, वापस एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन मैंने किया है। चलो वापस बता देता हूँ, आर आर लिया, सबसे पहले क्या करेंगे, ये 24 है तो हाफ 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, फिर मैंने क्या करा, इस वाले ट्रायंगल को अलग से ले लिया, 12√5 दिया था तो इसको अलग से ले लिया, 12√5 12, और अपन यहाँ से ए डी निकाल दें, ए डी अपना आ गया 24, 24 आने के बाद अपन ने ट्रायंगल ये वाला ले लिया, इसको आर ले लिया, ये 24 माइनस आर हो गया, ये आर हो गया, ये 12, और इसके बाद वापस क्या करा इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया अपन ने, और पाइथागोरस थ्योरम लगा कर अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, बात समझ में आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपके कंसेप्ट बहुत बिल्ड होंगे, छोटे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, इफ एंगल ए इक्वल 30 डिग्री देन बी एक्स वाई, तो पहला इसका डायग्राम बना देते हैं, ए बी सी बना दिया अपन ने। देखो ये तो जितना अच्छा तरह डायग्राम बनाओगे उतना आराम से क्वेश्चन होगा, ज्योमेट्री के अंदर जितना आप अच्छी तरह से डायग्राम बनाओगे उतना अच्छी तरह से क्वेश्चन होगा आपका। ये एक्स वाई 30 डिग्री दिया हुआ है, अब ध्यान समझना, ये 30 हुआ, ये दोनों इक्वल है, तो देखो ये 30, ये एक्स और एक्स सेम रहेगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 30, तो पीछे कितना बचा 150, 180 में से 30 चला गया 150, तो 150 का हाफ 75 ये हो गया, 75 ये हो गया। अब अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर थ्योरम होती है, तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 180 में से 75 गया कितना बचेगा 105,
ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसके अंदर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसानी से आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया, द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस एंगल ए बी सी इज थ्री टाइम्स द एंगल ऑफ बी ऑफ इट, द मेजर ऑफ द एंगल ए इज। ये आपको क्वेश्चन करना है, ये स्टूडेंट आपको करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका कमेंट करके मुझे बताओगे। अगला देखिए, अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी इज आइसोसेलेस हैविंग ए बी इक्वल टू ए सी एंड एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री बाइसेक्टर पी ओ एंड ओ क्यू, दिया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब इस क्वेश्चन का तो जितना अच्छी तरह से डायग्राम बनाओगे आप, उतना ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। तो डायग्राम देखिए, ये मैंने बना दिया ए बी सी, अब जिसमें ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, तो जो जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, ये दिया हुआ है और ए कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना, अब ध्यान से पढ़िए। अब बोला बाई सेक्टर पी ओ एंड ओ क्यू ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ए बी डी एंड ए सी, तो इसका मतलब अपन को ए बी डी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, बी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, आउटर वाला एंगल। तो क्या हो जाएगा, बी की तरफ हो जाएगा डी, सी की तरफ हो जाएगा ई। ठीक है, और ये क्या हो गया, ए बी डी क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसने बोला है कि पी ओ एंड ओ क्यू क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो अपन एक्सटीरियर एंगल का अपन बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, उसके एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, और ये पीछे क्या ओ पर मिलते हैं, उसको ओ से मिला दिया अपन ने। बाइसेक्ट क्या करेगा, एंगल को हाफ ऑफ डिवाइड करेगा। तो देखिए, इसको अपन मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं ओ वाले एंगल को, ठीक है, और ये वाला अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, सेम सेम एंगल है। तो अब ध्यान से देखना आपको, ये अगर 40 है तो देखो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो 180 में से 40 चला के कितना बचा, यहाँ से अपन इसको अलग कर लेते हैं ए बी सी। तो देखो ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 40 का कितना बचा, 140, तो 70 ये, 70 ये। ठीक है, अब ध्यान सुनो, तो 70 एंगल ये आ गया, ये 70 ये भी आ गया। अब बहुत ध्यान सुनना, अगर आप इसको, अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल जो है उसका सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो 180 वापस बना देता हूँ मैं। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना होगा, 180, तो इसको अलग से बना लेते हैं अपन। देखो ये अल्फा, ये भी अल्फा, और ये आपका 70, तो तीनों का सम कितना होगा, 180, तो ये अल्फा प्लस अल्फा प्लस 70 इजिकल टू 180, तो ये आ जाएगा अल्फा आपका आ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 110, तो अल्फा कितना आ गया, 55 आ गया, अल्फा आपको 55 मिल गया, ये यहाँ से लेकर 55। अब बहुत ध्यान सुनो, अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम को, इस वाली स्ट्रेट लाइन को देखो, इस वाली को जिसने मैं जो मैंने बनाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सम कितना है, 180 है, इसको भी अपन अलग कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसको मैंने अलग कर दिया, तो ये देखो ये हो गया अल्फा, ये कितना हो गया 70, ये निकालना है। देखो ये तो मैंने निकाल दिया 55 अल्फा, अब मुझे ये निकालना, इसको लेट एक्स नहीं वाई ले लेते हैं अपन, एक्स तो मैंने ले चुका हूँ ना, तो इसको वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई निकाल लोगे तीनों का सम 180 है, तो 55 प्लस 70 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा ये 125, 55 आ गया। वाई अगर आपका 55 है तो ये भी सी भी आपको कितना होगा, 55 होगा, तो दोनों 55 55 कितना हुआ, 110 हो गए, 110 तो एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 70 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन करने से। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, ईजी था, हार्ड तो नहीं लगा, जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, वापस एक बार बड़ा करके जूम करके देख लीजिए किस तरीके से मैंने किया है। ये 40 था तो ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, अगर ये 70 होगा तो इसको देख लीजिए आराम से, अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा निकल के आ जाएगा 55। अब अल्फा 55 आएगा तो अल्फा की तरह से वाई निकल के आ जाएगा 55 55, तो वहाँ से आप एक्स भी आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी सी एन आइसोसेलेस एंगल विद ए बी इक्वल टू, ये दिया हुआ है एल्टीट्यूड दिया हुआ है ये द लेंथ ऑफ साइड बी सी, ये क्वेश्चन आपको करना है, इस टाइप क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है ना, और इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट, ये कर लेंगे आप क्वेश्चन। अब देखिए कि इतने आइसोसेलेस एंगल के क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब मेरे ख्याल से आपको आइसोसेलेस एंगल से डर नहीं लगेगा, इसी क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो देखिए मेरे वीडियोस वगैरह जाइए, वीडियोस के सबसे नीचे जो आपको ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो मिलेंगे, आपको 4-5 ट्रिग्नोमेट्री सबसे नीचे जाना आपको, तो वहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस मिलेंगे, तो वो वीडियोस आपको 3-4 वीडियो डाले हैं, वो वीडियो आपको देखने हैं। अच्छा, उसके अलावा मैं इस वीडियो के नीचे आपको आज पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, जिसके अंदर बेसिक दिया होगा कि ज्योमेट्री का बेसिक क्या होता है। फिर से बोल रहा हूँ, बेसिक अगर आप पढ़ोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में वो आपको सारे बेसिक कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही अपन करते हैं,
नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।